से ये निकलता है, डी प्रोटोनेशन होती है इसकी यहाँ से, और यहाँ से इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है, ठीक है। ऐसे इसको शो करते हैं, प्लस माइनस एच पॉजिटिव सी ओ ओ ओ नेगेटिव सी एन एच थ्री एन पॉजिटिव आर थ्री आर, ठीक है। ये नियर एंड में डाल के इसको वैसा बन जाता है, ये जीरो एंड कर देगा। आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी चीज़ एसिडिक है कौन सी चीज़ बेसिक, मेन सवाल हमारा ये पहचानना कहते हैं कौन सी चीज़ एसिडिक है कौन सी चीज़ बेसिक। एसिडिक को पहचानना बहुत आसान है, एसिडिक को पहचानना बहुत आसान है कि कोई भी अमीनो एसिड लिखा हुआ आ जाए तो ये एसिडिक होगा ये बेसिक होगा। कैसे पहचानेंगे भाई, ग्रुप देख के, ग्रुप का नाम दिया हुआ तो ग्रुप की जगह एसिडिक पहचानना आसान है, उसके साथ ही एसिड लिखा होगा। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसके अलावा अगर यहाँ पर मिथायोनीन, तो मिथायोनीन के अंदर मीथेन लगा होता है, सीएच थ्री लगा होता है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल के अंदर आ जाएगा, न्यूट्रल उसके कैटेगरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाला ग्रुप है वो न्यूट्रल है, तो यहाँ रखने वाला ग्रुप कोई एसिडिक ग्रुप होगा, तो उसके साथ एसिड लिखा होता बकायदा, ठीक है, उसके साथ बकायदा एसिड लिखा होता, वो अमीनो एसिड की वजह से नहीं लिखा होता, वो इस ग्रुप की एसिडिक नेचर की वजह से लिखा होता, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की बुक करेंगे, पेज नंबर अगर यहाँ पर नाइट्रोजन लग जाए, कोई एसिडिक जिसके अंदर नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन की वजह से वो क्या बन जाएगा, बेसिक। कोई भी चीज जिसमें ये वाला ग्रुप लगा हो वो क्या बन जाएगा, एसिडिक। जो एसिड होगा उसके नाम के साथ एसिडिक एसिड लगा होगा, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड की वजह से एसिड नहीं, किस वजह एसिड है, इसकी नेचर एसिड है, यानी कि जो दूसरा ग्रुप लगा है वो एसिडिक नेचर रखने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बेसिक है। अच्छा, यहाँ भी देखो सेम चीज़ नजर आती है, OH ग्रुप, एच ग्रुप, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी पॉलीमर्स बनाने की सलाह कैपेबिलिटी होती है, जिसमें ये पॉलीमर बनाता चला रहता है, बनाता किस तरह से, कौन सा ऑर्गेनिज्म में जाके बनाता है, क्या करता है, बनाता है, इसका मैसेज कहाँ से आता है, डीएनए से आता है, और ये जितनी इन्फॉर्मेशन वाले हैं सब कुछ आई थिंक एक्सक्लूड हो चुका है, ठीक है ना। पता फिर भी आपको होना चाहिए कहाँ पे चलता है, क्योंकि सेल वाला फिर भी मौजूद आपकी इसमें, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। अब अमीनो एसिड ये तो मैंने इसकी रीअरेंजमेंट बनाया था, अब इसकी जगह दूसरा बना रहा, ठीक है। जो बॉन्ड होगा इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और ये इनको जोड़ने का काम करता है। आगे चलें, कुछ पूछना है कुछ, वाटर लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ वो जो थोड़ा सा ऑयली नेचर रखी हो लिपिड्स के खाते हैं, ठीक है। जो टेक्सचर ऑयली हो या ऐसी कोई चीज़ हो उसको लिपिड्स के खाते में डालते हैं, लिपिड, ठीक है। अब लिपिड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बोले तुम बताना चाहते हो हाइड्रोकार्बन का,
कार्बन डेटिंग, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन अगर होगी तो लिक्विड जैसी नेचर रखने वाली कोई चीज बन जाएगी। ठीक, इसमें कोई दो राय। अब लिपिड्स की फर्दर टाइप्स क्या होती हैं और वो क्या होते हैं उसमें अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हो सकता है किसी में खाली हाइड्रोकार्बन हो सकता है, कुछ हो सकता है किसी में कुछ, हो सकता है किसी में कुछ, हो सकता है किसी में कुछ। ठीक, तो सबसे कॉमन जो चीज़ है पाया जाने वाला लिपिड्स कौन सा है जिसको हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को मालूम सबसे कॉमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन उससे पहले पहले हमें लिपिड्स की कुछ टाइप्स को देखना भी चाहिए। सही है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हमारा मेटाबॉलिज्म उसका होता है, यानी उसके ऊपर मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन में उसको बढ़ेंगे, उसको इसमें बढ़ेंगे, उसको उसमें बढ़ेंगे। ठीक है, इस अभी भी पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह से क्या होता है, लेकिन उससे पहले उसकी लिपिड्स की दूसरी टाइप को बताना जरूरी है। सबसे पहली टाइप बात वो क्या किसी के पास जो है वो ये सही नहीं है, सबको पास होनी चाहिए। जब भी क्लास हो आपको चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे किसी भी क्लास हो वो सबके पास होनी चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहली टाइप है वो एक तो हमने कह दी कि ट्राइग्लिसराइड्स। दूसरी कैरोटीन्स नहीं, अच्छा ये सेकेंडरी टूट गया है, और कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक कैरोटीन्स होते हैं, ठीक है, टर्पीन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, टर्पीन्स। ठीक, टर्पीन्स में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं,